पिछले 3.5 महीनों से देश से लेकर विदेशों में किसान आंदोलन की गूंज है, लेकिन लगता नहीं है कि मोदी सरकार को अब भी अन्नदाताओं की आवाज सुनाई दे रही है। तभी तो अब तक पीएम मोदी ने किसानों संग एमएसपी पर कोई बात नहीं की है। सरकार की बेरुखी को लेकर जहां विपक्षी दल उसे घेर रहे हैं तो अपने भी सवाल उठा रहे हैं। इसे लेकर ही किसान नेता नरेश टिकैत ने मोदी सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई है। देश में मचा हाहाकार, अब तो सुनो किसानों की गुहार, कृषि कानूनों को रद्द करो सरकार। इसी नारे के साथ लाखों अन्नदाता दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 3.5 महीनों से मोदी सरकार से अपना अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन सरकार तो साफ इनकार कर चुकी है कि कानून को लेकर वो अपने कदम पीछे नहीं खींचेगी। इसे लेकर अब बीजेपी के नेता भी अपनी सरकार के फैसले पर सवाल उठाने लगे हैं। जहां कल तक केवल सुब्रमण्यम स्वामी ही सरकार को सही राह दिखा रहे थे, वहीं सत्यपाल मलिक ने भी केंद्र को नसीहत दे डाली, जिसे लेकर अब किसानों ने सरकार को जमकर घेरा है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कृषि कानूनों की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून किसानों के हक में नहीं है और ये बात सरकार भी जानती है, लेकिन अपनी जिद के चलते वो किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। इसीलिए ये आंदोलन लंबे समय तक चलेगा, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए, क्योंकि केंद्र सरकार और बीजेपी विश्वास के लायक नहीं है। इतना ही नहीं, नरेश टिकैत ने कहा कि मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जैसे और लोग आगे आएंगे, किसान उनकी सच्चाई का सम्मान करते हैं। बीजेपी सांसद अब घुटन महसूस कर रहे हैं। बीजेपी में ऐसे कई नेता हैं जो इस समस्या को सुलझा सकते हैं, लेकिन उन पर भी दबाव बना हुआ है। दरअसल नरेश टिकैत ने यह बयान सत्यपाल मलिक की उस बात पर दिया जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन का इतना लंबा चलना किसी के हित में नहीं है। इसी बयान को लेकर जहां विपक्षी दल सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं, तो वहीं अब तो किसानों ने भी हुंकार भरनी शुरू कर दी है। वैसे बीजेपी नेताओं का किसानों को साथ मोदी सरकार को बैकफुट पर ला सकता है, यहां तक कि चुनावी राज्यों में भी असर देखने को मिल सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।